हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू अनाया फ्रिल्स। अगर आपका बच्चा भी एक साल से ऊपर हो गया है और आप चाह रहे हैं उसे कुछ सिखाना, कोई बुक स्टार्ट करना या फिर खेल खेल में ही आप उसे लर्निंग सिखाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं यहाँ पे आज बात करना चाहूँगी सब्सक्रिप्शन बॉक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे शेयर करूँगी आइंस्टाइन बॉक्स का सब्सक्रिप्शन के बारे में। आइंस्टाइन बॉक्स हमें पर्सनली बहुत पसंद आया था। मार्केट में बहुत सारे बॉक्सेस अवेलेबल हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी बॉक्स एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बेसिकली आइंस्टाइन बॉक्स का सब्सक्रिप्शन होता है 6 महीनों का। हर एक महीने में आपको एक बॉक्स आएगा जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपके बच्चों को आपकी हेल्प से करनी होती हैं। तो हमें पर्सनली ये बॉक्स क्यों पसंद आया और इससे आपके बच्चे क्या सीख सकते हैं, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करें। इस सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपको हर महीने एक बॉक्स आएगा, जिस बॉक्स में आपको सबसे पहले ये कार्टून मिलेगा, उसके अंदर हर सब्सक्रिप्शन में आपको एक वेलकम किट मिलेगी। फिर इस तरीके का आपको एक चार्ट मिलेगा, जिस चार्ट में आपको लिखा होगा कि आपके 6 महीनों के सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको अपने बच्चे के लिए मिलेंगी। हर महीने जो बॉक्स आएगा वो पर्टिकुलर थीम बेस्ड रहता है, इसमें आपको रिप्लेसमेंट गारंटी भी मिलती है। तो ये कार्ड में जो आपको दिखा रही हूँ ये श्योर करता है कि अगर आपका प्रोडक्ट डिफेक्टेड है तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आपको मिलते हैं ये स्टिकर्स, आपको स्टिकर की पूरी ये बुक मिल रही है। ये स्टिकर आपको कहाँ पे चिपकाने हैं ये आपको इस बुक में पता चलेगा। ये बेसिकली मैचिंग स्टिकर्स हैं, इनके थ्रू आपका बच्चा बुक में जो स्टोरी है वहाँ पे स्टिकर्स को मैच करेगा पिक्चर्स के साथ, और जहाँ पे वो पिक्चर मैच होती है वहाँ पे वो स्टिकर को स्टिक करेगा। प्लस इससे आपका बच्चा काउंटिंग भी सीख सकता है, पर्टिकुलर शेप क्या है, पर्टिकुलर पिक्चर किस चीज़ की है वो भी आइडेंटिफाई करेगा। तो ये भी आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो अब देखते हैं इस बुक में क्या है। ये बुक है रिया ग्रोज अ प्लांट, एक छोटी सी बच्ची है जो प्लांट को कैसे ग्रो करते हैं उसके सारे स्टेप्स को देख रही है। तो अब आप बोलेंगे कि हमारे बच्चा ये क्या करेगा जानकर क्योंकि प्लांट कैसे ग्रो करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बच्चे को आप जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं वो वेस्ट नहीं जाती हैं, हर चीज़ों से वो कुछ ना कुछ सीखेगा। लाइक एक लाइफ साइकिल क्या होता है प्लांट का, वो कैसे ग्रो होता है, बच्चा ये अर्ली एज में सीखेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा है। प्लस वो प्लांट ग्रो करने के साथ साथ और भी चीज़ें सीखेगा, लाइक वो काउंटिंग सीखेगा कि हाउ मेनी डेज इट टेक्स टू ग्रो अ प्लांट, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, प्लांट को वाटर देते हैं, वाटर कितना हेल्पफुल होता है प्लांट्स के लिए। प्लस वो सीखेगा कि जब प्लांट्स के लिए वाटर ज़रूरी है तो हमारी भी लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ों की वैल्यू करना सीखेगा। अब इसमें आप बच्चों को शेप्स भी दिखा सकते हैं, शेप्स के साथ मैचिंग स्टिकर आपको दिखेंगे तो वो बच्चे को स्टिक करने हैं। फिर आपको यहाँ पे एक मिलता है नोट, जिसमें पेरेंट्स के लिए पर्टिकुलर नोट लिखा हुआ है कि आपको ये जो आइंस्टाइन बॉक्स है किस तरीके से अपने बच्चे के साथ हैंडल करना है और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज आपको मिलेंगी, ये पूरा नोट आपको मिल जाता है इसमें। के बाद आपको मिलती है एक स्टोरी बुक और साथ ही मिलती है आपको ये स्केच पेन, जिसे आपको स्टोरी बुक को पढ़ने के बाद कुछ पजल्स हैं जो सॉल्व करने होंगे और अपने बच्चे से आपको उसे ड्रॉ करवाना हो। सो दिस स्टोरी सेज, ये एक बिग टाइगर है, वो पूरी दिन भर में वो क्या करता है, मीन्स हमारा बच्चा भी अगर बड़ा हो रहा है तो दिन भर में उसके कौन कौन से काम होते हैं, स्टोरी के साथ हम उसे रिलेट करके बता सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैचिंग शेप्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि शावर का शेप हो गया, बकेट का शेप हो गया, हैंड वॉश का शेप हो गया, ये आपके बच्चे को जो ब्लैक शेडो दिख रही है उससे मैच करने हैं और जो शेप है उसमें सर्कल करना है। तो जो पेन आपको दिख रही है वो इसको सर्कल करने में हेल्प करेगी। प्लस ये जो बुक है इसमें अगर आपका बच्चा जिस स्केच पेन से लिख रहा है उसको आप इरेज भी कर सकते हैं, तो 2-3 हाउ मेनी टाइम्स यू वांट आप अपने बच्चे को राइट करवा सकते हैं इसमें, ये मिक्स एंड मैच का पजल। अब आप सेकेंड पेज में देखेंगे कि फ्लावर का जो शेप है वो आपको दिख रहा है, जो ब्लैक कलर के शेप है वो आपको बच्चे को कलर के शेप से मैच करवाने हैं। तो देखिए है ना अच्छी बुक ये, अपने बच्चे को हम स्टोरी के साथ साथ चीज़ें भी सिखा रहे हैं और अच्छी हैबिट भी सीख सकता है, क्योंकि इसमें टिगी जो है पहले ब्रश करता है, नहाता है, फिर खाना खाता है, तो ये पूरा एक रूटीन सेट होता है जिसे हमारे बच्चे भी अगर फॉलो करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर स्टोरी के एंडिंग में आपको यहाँ पे मिलते हैं नंबर ट्रेस करने के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा बॉक्स सब्सक्राइब किया है। एज वाइज आपको जो है एक्टिविटी वो मिलती है, ये मैं आपको 3-4+ के बच्चों का दिखा रही हूँ एज ग्रुप। तो 2 ईयर के बच्चे से हम राइटिंग सिखाना शुरू कर देते हैं, तो 2-3 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये बुक है। आप इसको राइटिंग जो नंबर्स हैं वो ट्रेस करेंगे तो आपका बच्चा लिखना भी सीखेगा और नंबर पहचानना भी सीखेगा। देन आपको मिलता है मैचिंग यहाँ पे एनिमल और उसके यंग वंस से, अगर आपके बच्चे को एनिमल और उसके यंग वंस नहीं पता है तो वो इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो पहले आप उसे यंग वन और उसके एनिमल्स का नाम सिखाइए, उनकी पिक्चर्स दिखाइए, तब वो ये मैचिंग कर पाएगा।
तो ये सारे तो थे स्टडी मटेरियल्स। अब आपको फन एक्टिविटी में क्या मिलता है ताकि आपका बच्चा एंजॉय करे इस बॉक्स को, तो हमें सबसे पहले मिलता है ये ग्रोइंग प्लांट का एक्टिविटी, मतलब एक प्लांट आपको कैसे ग्रो करना है, प्लांट कैसे ग्रो करते हैं इसका सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्या क्या स्टफ आपको मिलते हैं वो मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक डिस्पोजेबल कप, दो डिस्पोजेबल कप मिलते हैं, और यहाँ पे साथ में मिलते हैं सीड्स प्लांट लगाने के लिए, मड मिल जाती है, साथ में स्पून, फोक्स और ये ग्रोइंग स्केल मिलता है, एक चार्ट मिलता है जिसमें आपको इसके ग्रोथ की डिटेल लिखनी है, लाइक आपने प्लांट ग्रो कब किया था, आज किस डेट पे वो कितना बड़ा हो चुका है, स्केल से आप नापेंगे तो कितने इंचेस है, कितने सेंटीमीटर है, वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। फिर आपको मिलता है कलरिंग का स्टफ, ये फोक पेंटिंग की बुक है, इसमें आपको फोक की हेल्प से एक पेंटिंग करनी होती है, इसमें फोक आपको साथ में एक आता है, प्लस आपको एक ब्रश मिलेगा, कलर का पैलेट मिलेगा और एक प्लेट मिलेगी, साथ में एक प्लास्टिक रैप है और एक एप्रन है, एप्रन आपका बच्चा पहन लेगा, प्लास्टिक का रैप अपने टेबल पे या फिर नीचे बिछा करके कलर करेगा, सो मतलब आपके बच्चे के कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, आपकी फर्श भी गंदी नहीं होगी या फिर आपकी टेबल भी गंदी नहीं होगी, पूरा सेटअप आपको मिलता है यहाँ पे। तो पेंटिंग कैसे करते हैं ये डेफिनेटली आपका बच्चा खुद से नहीं सीख सकता, आपको थोड़ी बहुत उसको हेल्प करनी होगी, या फिर आप बच्चे को सिर्फ कलर दे दीजिए, फोक दे दीजिए और ब्रश दे दीजिए, वो खुद ही कलर करना सीख जाएगा जो भी उसे करना है, क्योंकि कलर बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो कलरिंग उसे बहुत पसंद होती है। अब लास्ट आपको जो एक्टिविटी मिलती है ये फन के साथ साथ लर्निंग एक्टिविटी भी है, इसमें आपको मिलते हैं पजल्स, पजल बहुत हेल्प करते हैं हमारे बच्चे की लर्निंग स्किल को ग्रो करने के लिए, मैंने अपने चैनल पे और वीडियोस पोस्ट करके रखे हैं कि पजल कौन कौन से हम ले सकते हैं अपने बच्चों के लिए और वो क्यों अच्छे होते हैं, ये जब आप यूज़ करेंगे तो आप खुद अपने बच्चे में ग्रोथ देखेंगे कि बच्चा पजल सब सॉल्व करता है तो उसका जो माइंड है अलग ही लेवल में ग्रो करता है, वो हर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। तो इसमें जो पजल है टिगी के बेस पे हैं, जो टिगी की स्टोरी अभी हमने पढ़ी थी उसके बेसिस पे ये पजल हैं, तो आप अपने बच्चे को ये पजल दीजिए, अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता है तो आप उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको बच्चे की एक आइंस्टाइन बॉक्स के सब्सक्रिप्शन में, आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं या फिर आप सिंगल एक बॉक्स खरीद करके भी इसे ट्राई कर सकते हैं, ये आपको अमेजोन में भी अवेलेबल है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करती हूँ।